हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल HRG ब्यूटी हेल्थ में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। फ्रेंड, आजकल ज़्यादातर लोग अपने बालों के झड़ने, डैंड्रफ और कमज़ोर बालों की समस्याओं से बहुत परेशान रहते हैं। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बहुत ही आसान है और ये आपके बालों को बहुत ही लंबा, घना और डैंड्रफ फ्री बनाएगी। फ्रेंड्स, इसके लिए इस रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक गुजारिश है, अगर आपने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहा रेड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें चाहिए प्याज और ये कोकोनट ऑयल। फ्रेंड्स, चलिए अब बताती हूँ मैं आपको ये रेमेडी किस तरीके से तैयार की जाएगी। फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए हमें एक बाउल की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, प्याज को आप अच्छे से पीस लें, और चाहे ग्राइंडर में पीस लें या फिर आप हाथ से भी पीस सकते हैं। फिर इसे एक छन्नी या फिर किसी भी कपड़े की सहायता से इसका हम रस निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये प्याज का रस निकाल लिया है। अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल को मिक्स करूंगी। मैंने इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, देखिए ये रेमेडी हमारी बनकर तैयार है। फ्रेंड्स, प्याज बहुत ही बेनिफिट होता है। प्याज के रस में एलोपेसिया का इलाज किया जाता है, जो कि एक तरह की बीमारी होती है जिससे बाल झड़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, प्याज का रस बालों का फ्लो बढ़ाता है और ये बालों और स्कैल्प को पोषण देता है। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं नारियल का तेल बालों को घना, लंबा और चमकदार बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, ये रेमेडी हमारी बन चुकी है। अब आपको क्या करना है कि एक कॉटन लेना है और कॉटन की सहायता से इसको अपने बालों में अच्छे से अप्लाई करना है और उसको एक घंटे के लिए लगाकर छोड़ देना है। फ्रेंड्स, लोगों को प्याज की बदबू अच्छी नहीं लगती। आप एक घंटे इसे लगाने के बाद, इसे एक शैम्पू से वॉश करने के बाद, आप चाहें तो कंडीशनर लगा सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल भी प्याज की बदबू नहीं आएगी। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अगर मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।